यहाँ पे कुछ कॉमन नेम और कुछ साइंटिफिक नेम की आपको एग्जांपल दी हुई है। हमारे पास ऑनियन है यानी कि प्याज, ठीक है। प्याज इसको आप पाकिस्तान में बोलते हैं, बाकी कंट्रीज में इसको डिफरेंट नामों से बोला जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। अब जो एलियम सेपा इसका साइंटिफिक नेम है, हर कंट्री में इसका यही नाम लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है सी स्टार ऑस्ट्रियस, इसकी ऑस्ट्रियस यूबेंस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है और हर कंट्री में इसी नाम से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउस क्रो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है फॉरेस्ट स्प्लेंडेंस, ठीक है। फॉरेस्ट स्प्लेंडेंस जो इसका साइंटिफिक नेम है, इसको हर कंट्रीज में इसी नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस साइंटिफिक जो सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हमारे पास मेथड है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है ताकि हम प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन से बच सकें। जो पेज नंबर 41 पे हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कुछ टाइम से, कुछ सेंचुरी से बायोडाइवर्सिटीज में और ह्यूमन एक्शंस की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एनिमल्स की और प्लांट्स की जो लाइफ है वो बहुत हद तक डैमेज हुई है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास इस टॉपिक में दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक है हमारे पास एक्सटिंक्ट और दूसरी है वो हमारे पास इंडेंजर्ड, ठीक है। एक्सटिंक्ट मीन होता है खत्म हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना। यहाँ पे स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज डाइड इन दैट इकोसिस्टम। एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि उस स्पीशीज की कोई भी, उस एनिमल की कोई भी स्पीशीज इकोसिस्टम में एग्जिस्ट ना करती हो, यानी कि मुकम्मल तौर पे सारी स्पीशीज खत्म हो चुकी हो, ठीक है। ऐसे इस टर्म को हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं, यानी कि नापैद हो चुकी। इसमें हमारे पास जो है बहुत सारी एग्जांपल भी है, ब्लैक बक है हमारे पास, स्वैम्प डियर वगैरह, ये सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो इंडेंजर्ड की है। इंडेंजर्ड मीन खतरे के करीब होना, ठीक है। ये वो स्पीशीज है जिनको खतरा लाहक होता है, यानी कि फ्यूचर में अनकरीब ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड बोलते हैं। A species is called endangered when it is at risk of extinction in near future, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में ये एक्सटिंक्शन के करीब होती है, यानी कि नापैद होने के करीब होती है। तो ऐसी जो स्पीशीज है उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, खतरे के करीब होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी दे दूंगी, उसको भी आप गौर से देखिएगा। तो ये दो टर्म जो है एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपने इनको याद करना है और नोटबुक पे भी लिखना है, ठीक है। ये आज का आपका लेक्चर है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।